बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो न्यू रिंग आई हुई है लूनर रिंग, इसकी जो सी है विन स्ट्रीक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई चैलेंज माई सेल्फ टू विन दिस रिंग विद इन द गिवन थ्री चांसेस। तीन चांसेस है उसी के अंदर जो उनसा है विन करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले जो उनसे आप सबकी फेवरेट क्यू, मेरी फेवरेट क्यू, आर्कएंजल क्यू सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम जो उनसा है एक अच्छा सा डिनाइल लगाने में कामयाब हों। बिकॉज ब्रेक जोन से है वो अपना है और मेरे ये काफ़ी हेल्प हो जाती है जब ब्रेक आता है। बिकॉज आपको पता है ब्रेक जब आए तो आपके पास चांस होता है कि आप अच्छा सा डिनाइल जोन से वो लगा सको ओपोनेंट को। तो तीन चांसेस हैं, इंशाल्लाह उसी में विन करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करनी थी, अगर आप लोगों में से कोई बंदा ये जानता कि हिंट गिवअवेज कैसे किए जाते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे साथ लाजमी रब्ता करें। बिकॉज मैं हिंट गिवे स्टार्ट करना चाहता हूं लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है, इसलिए मुझे उसका कोई ख़ास इलम नहीं है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या, अगर कोई आप में से बता देगा कैसे होते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट कर दूंगा इसी चैनल पर। बिकॉज मैंने अभी तक कमेंट गिवेज किए हैं, उसके बाद लाइव जीमेल पासवर्ड शो करवाया, हिंट गिवेज अभी तक नहीं किए और मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज काफ़ी रिक्वेस्ट थी उसकी भी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो उनसा स्टार्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन में कमेंट का नंबर दे दूँगा, सॉरी व्हाट्सएप का नंबर दे दूँगा, लाजमी से मुझसे रब्ता कर लेना। और यहाँ पर मैं स्टक हो गया हूँ, ज़्यादा बैक स्पिन होगी, कोई बात नहीं, एक ट्रिक शॉट जो उनसा ट्राई करते हैं ऑन पर्पल, लेट्स सी कि क्या होता है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर देना, वेदर ये ट्रिक शॉट लगती है या नहीं जो उनसी है, अगर नहीं लगी यार अभी फिर भी कर दो, कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों के साथ भी प्ले करना चाहता हूँ। प्ले यार उसका ये है कि जब मैं फ्री होता हूँ या आप लोग फ्री होते हैं ना, आपका मुझे पता चलेगा ना मेरा आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे अगेन जो उनसे हमारी टर्न आ चुकी है, ओपोनेंट ने मिस कर दी है, तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं, अभी उसको चांस नहीं देंगे। अगेन थोड़ा ज़्यादा बैक स्पिन हो गया बट चलेगा, ब्लैक जोन सी है वो मन चुकी है। तो मैं बात ये कर रहा था, अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है, 200 के लगभग हैं, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैंने जो उनसे हाइड किए हैं, ठीक है, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स हैं अभी। अगर आप 200 जो उनसे हैं ये सारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज ये मेरे दूसरे चैनल से इधर आए हैं, ठीक है, ये सारे ही एक्टिव हैं, यानी आप सब जो उनसे मेरी वीडियो देख रहे हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बंदा अगर सिर्फ चार लोगों से सब्सक्राइब, ये कोई भी नहीं है कि आपने आज ही करवाना है, एक वीक के अंदर अंदर आप लोगों ने चार अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है। अगर 200 का 200 बंदा ये काम करता है तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस चैनल पर। और यार ये ब्रेक पर वाइटनिंग पोर्ट होना चाहिए, चैनल पर सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मुझे कम्युनिटी का टैब मिल जाएगा, उसमें फिर मैं पोस्ट कर दिया करूँगा कि ये वाली वीडियो आ रही है, हिंट गिवेज आ रहा है या जो उनसा बेस्ट ऑफ थ्री हमें आप लोगों के साथ प्ले करने जा रहा हूँ। ओपन हैंड ने भी वाइट बॉल पोर्ट कर दी है। तो मैं बात ये कर रहा था कि काइंडली सब्सक्राइब करवाओ चैनल से, ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से जितना ज़्यादा हो सकता है, चार मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना करवा सकते हैं उतना करवा दीजिएगा। बिकॉज जैसे ही कम्युनिटी टैब मिलेगा फिर उसमें मैं पोस्ट कर दिया करूँगा कि भाई आप जो उनसे अगर कोई फ्री आ जाए बेस्ट ऑफ थ्री प्ले करते हैं और अपना जो उनसा गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं ट्रिक शॉट्स का, तो स्टार्ट में इसी तरह होगा, फिर जब ऐसा ऐसा गेम अच्छी हो जाएगी फिर लाइव जो उनसा ट्रिक शॉट सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट और दुआओं के साथ ही है। बाकी ये चेक करें, दो बॉल इधर स्टक थी, दो बॉल इधर स्टक थी, लेकिन उधर वाली बॉल के साथ मेरे पास ग्रीन बॉल पड़ा था, इसलिए मैंने पहले इधर वाली बॉल को क्लियर किया और उधर वाली बॉल्स मैंने ग्रीन बॉल पोर्ट करके क्लियर कर ली हैं। यही स्ट्रेटजी होती है जो आप लोगों ने पहले बनानी होती है फर्स्ट बॉल खेलते वक्त। अगर आप फर्स्ट बॉल जो उनसी है वो पोर्ट करते वक्त स्ट्रेटजी बना लोगे अपनी कि आप लोगों ने कैसे कैसे कौन कौन सी बॉल पोर्ट करनी है, तो आप ईजिली एक अच्छा गेम जो उनसे विन कर सकते हो। तो जो चैलेंज मेरा था इस गेम में कि मैंने तीन गेम्स कंटिन्यूसली विन करनी है, सेकंड गेम मैं विन कर चुका हूँ और यहाँ पे जो उनसा एक बॉक्स मिला है इसमें से कुछ अच्छा खास निकलता तो है नहीं, लेकिन इस दफ़ा निकल गया, एक अच्छी क्यू का जो उनसा पीस मुझे मिल गया, मेलबॉर्न स्टार क्यू। बिकॉज पिछली दफ़ा विन स्ट्रीक का क्यू का पीस मिला था, इस दफ़ा इसका मिला, अगेन से ब्रेक अपना, और इस दफ़ा हो सकता है ब्रेक ट्रिक लग रही हो। बिकॉज मैं ऐसा नहीं, मैंने ब्रेक ट्रिक आप लोगों को बताई हुई है कि मिनिमाइज करके आप लोगों ने 5 सेकंड के बाद ओपन करना है तो आप लोगों का ब्रेक आएगा, लेकिन मैं ये ब्रेक ट्रिक लगा नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना कर रहा था कि गेम खत्म होने के बाद मैं गेम को ख़त्म कर देता था, मतलब मिनिमाइज से भी हटा जाता था। तो अपना जो सा व्हाट्सएप पे आप लोगों के मैसेज जो आए होते थे वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को रिप्लाई वगैरह करके जब सबको रिप्लाई हो जाता था तो आके नेक्स्ट गेम प्ले करता था, ताकि आप लोगों को रिप्लाई भी मिलता रहे टाइमली और मैं अपना काम भी कर लूँ, ठीक है। बिकॉज सब चीज़ें साथ साथ ही हैं, ना मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ ना ही आप लोगों को मुझे छोड़ना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मेरा दूसरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया बिकॉज वहाँ पे मैं पबजी की वीडियोज डाल रहा हूँ,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने वो चैनल तो नहीं ना छोड़ा, बस 8 बार बोल के उस पर वीडियोज़ नहीं आएंगी, आपका पबजी में नहीं इंटरेस्ट, आप ना देखो, लेकिन चैनल तो नहीं ना अनसब्सक्राइब करो, चैनल तो मेरा है, वो मैंने कौन सा चैनल किसी को दे दिया है, चैनल वो भी मेरे पास ही है यार, बस उस पर स्ट्राइक आ चुकी है, मेरी भी मजबूरी है आप लोगों को, मैं अब कब तक ये कहता रहूँगा कि मैं न्यू एडबल पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लो, फिर वो उस पर स्ट्राइक आएगी, मैं फिर एक न्यू स्टार्ट कर दूंगा। अभी ये वाला गेम प्ले कब नया है ये इंशाल्लाह चलेगा, इस पर नहीं निकला देगा स्ट्राइक वगैरह, इट्स अमर को आई थी लेकिन वो जोन सा रिमूव कर दी उसने, इसका मतलब ये कि गेम प्ले के चैनल पर स्ट्राइक्स वगैरह नहीं आएगी, अगर फॉर एग्जांपल आती भी हैं तो ये मेरा लास्ट चैनल होगा एडबालपुर का, फिर इसके बाद मैं एडबालपुर का चैनल नहीं बनाने वाला, तो आप लोग एक लास्ट दफ़ा लाजमी से सब चैनल्स को जोन सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, और ख़ास तौर पर इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब करवा दो, और यहाँ पे मैं एक चांस लूज़ कर गया हूँ, अभी मेरे पास 2 चांसेस हैं, वो वीडियो मैंने स्किप कर दी बिकॉज डायरेक्ट डिनाइल था मुझे वो वाला, तो कोई फ़ायदा नहीं था आप लोगों का गेम दिखाने का, बहुत सिंपल सी गेम उसने मुझे डिनाइल लगाया अगेन ब्रेक अपने, तो आप लोगों से बात ये कर रहा था इस चैनल को लाजमी से सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज अगर ये वाला चैनल ही मेरा रैंक करेगा तो ही मैं बाकी चैनल्स को रैंक कर पाऊँगा, मतलब जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वाले हैं, ताकि उसी वजह से इस चैनल की वजह से आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह मिलेंगी, बिकॉज अगर मेरा ये मेन चैनल है एक किस्म का एडबल पूल का, अगर ये वाला चैनल ना चला तो मुझे एडबल पूल छोड़नी पड़ेगी, तो बिकॉज बाकी चैनल पे तो स्ट्राइक्स वगैरह आती रहेंगी, वो तो चैनल है ही नहीं है मेरे, उनको भी शायद अनसब्सक्राइब कर दो आई डोंट माइंड, लेकिन करके रखो तो कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आपने वीडियोस देखनी होती हैं देख लिया करें, बाकी इस चैनल को लाजमी से सपोर्ट करो यार, अपने दोस्तों से एक बंदा अपने दोस्त चार दोस्तों यार सिंपल होते ही हैं, आपके ऑनलाइन इतने दोस्त बन जाते हैं एडबॉल पूल के, अगर आप एडबॉल पूल प्ले करते हो उनसे एटलीस्ट एक बंदा चार बंदों से सब्सक्राइब तो करवा सकता है ना, और अगर आप एक हफ्ते में चार बंदों से सब्सक्राइब करवाते हो तो मेरा जो उनसे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, मोनेटाइजेशन के लिए तो मैं तब नहीं था कर रहा जब मेरे जो उनसे गिवअवेज हो रहे थे उस चैनल पर, इतने गिवअवेज मैंने किए मुझे फिर भी वो चैनल जाता रहा, वो मोनेटाइज पिन ही नहीं आया मेरा एडसन का, ठीक है तब। और बाकी रही बात इस पे, अभी वास्ट टाइम आपको पता है दूसरी या तीसरी वीडियो आप देख रहे हो मेरी, पहली एक जोन सा है मैंने अपना अकाउंट चेक करवाया, दूसरी विनम ट्रिक शॉट्स जोन सी मैंने प्ले किया उसकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी किसी ने, उसमें काफ़ी अच्छी शॉट्स मैंने प्ले की हुई हैं, लास्ट में इंडायरेक्ट भी बहुत अच्छा प्ले किया था उसमें, तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी वो भी देख लेना। तो बात मैं मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा आप लोगों को, बिकॉज वास्ट टाइम कंप्लीट होते बहुत टाइम लगेगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें कम्युनिटी स्ट्रेट शॉट मिस कर दी यार, काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा था वो, आप लोगों ने चेक किया कि मेरी बात सुन रहे थे आप लोग, स्ट्रेट शॉट इसने मिस कर दी है, बाकी चलो अपने को चांस मिल गया, एक चांस हम ऑलरेडी लॉस कर चुके थे, अभी 2 चांसेस में हमने गेम विन करनी थी, चलो लेट्स सी अभी जोन सा है, इसके बाद जोन सा है पर्पल बॉल बोट करता हूँ थोड़ा सा जोन सा लेफ्ट स्पिन के साथ, स्पिन लेफ्ट में खुद ही हो गया, उसके बाद ब्लू एंड देन ब्लैक, एक और गेम जोन सा हम विन करने लगे थे, बात कर रहा था मैं 1000 सब्सक्राइबर्स की, वो सिर्फ इसलिए ताकि कम्युनिटी टैब जोन सा वो ओपन हो जाए और आप लोगों को नेक्स्ट गिव अवे का हिम गिव अवे का या बेस्ट ऑफ 3 वगैरह उनका नोटिफिकेशन आता रहे, और कम्युनिटी के जरिए ही हम चैनल चैलेंज जोन सी वीडियोज़ हैं वो स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो चैलेंज वीडियो जोन सी हैं वो कम्युनिटी में ही पूछा करूँगा कि कौन सा नेक्स्ट चैलेंज है, जैसे ये तो मैंने अपने आप को खुद चैलेंज दिया ना, काफ़ी इजी चैलेंज है नो डाउट, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, आहिस्ता ही जोन सा ना बड़े स्टेप में जाता है, स्टार्ट में बड़ा स्टेप करूँगा तो वो ना आपको अच्छा लगेगा ना ही मेरे से सही बात होगा, ठीक है, वो अभी अगेन से ब्रेक अपना है फॉर्चुनेटली, तो आप लोगों से बस यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जोन सा हम ऊपर जाएंगे अभी आप लोगों की सपोर्ट, क्योंकि अगर आप बात करते हो ना इट्स अमर की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसके आज 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, कभी उसने भी जोन सा है 100-200 से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही उसके 8 लाख हुए हैं, मैं यही नहीं कह रहा कि आप मुझे इतना सपोर्ट करो कि मेरे 8 लाख हो जाए, मुझे इतना इनफ सपोर्ट कर दो कि मैं आप लोगों के साथ जोन सा ना कंट्रीब्यूट कर लिया करूँ कम्युनिटी के जरिए, ताकि 1000 तो कम अज़ कम हो जाए, उसके बाद कम्युनिटी ओपन हो जाएगी, फिर आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन वगैरह होती रहेगी, गिवेज वगैरह अपने हिंट गिवेज और बेस्ट ऑफ 3 वगैरह आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, बाकी जो सब्सक्राइबर्स वगैरह वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे ओपन एंड ने एक बहुत ही अच्छी शॉट मिस की, अब देख चेक किए करें कि सब बॉल्स जोन सी हैं वो यहाँ पे अटकी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं एक जोन सा बैंक शॉट लगाता हूँ, मिस भी हो जाए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज सब जोन सी बॉल्स हैं ना वो अटकी हुई हैं, तो यहाँ पे जोन सा मिस होगी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अभी चेक करते हैं कि वो क्या शॉट प्ले करता है,
बिकॉज अभी ये डिपेंड करता है उसकी शॉट पे, अगर तो वो पीसीज अपने ओपन कर लेता है तो वेल, उसने अपना जोनसा है ब्लू पीस भी है ओपन कर लिया है, अभी भी उसके दो बॉल जोनसे हैं वो सेफ है, एक पर्पल और एक रेड, तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, उसने पर्पल भी ओपन कर लिया, अभी मेरे जोनसे तीन बॉल हैं वो अटके हुए हैं आप लोगों के सामने, इनफैक्ट दो बॉल्स, ठीक है, तो अभी आई गो विद इनडायरेक्ट ऑन ब्लू, लेट्स सी। ओके, सक्सेसफुली एक ब्लू इनडायरेक्ट हुआ, अच्छा सा, अभी कोशिश करूंगा रेड को जोन से ब्लैक पे लगा के ब्लैक ओपन करने की, और अपनी ठीक हो गया, अभी जोन से गेम अपनी क्लियर है, चार बॉल्स भरी हुई हैं, सॉरी फाइव, और जोन से ब्लैक वो भी अब ओपन ही है, ठीक है, वो अगर बॉल नीचे वाले बॉर्डर पे आ जाता है हमारा वाइट बॉल तो हम इजीली पोर्ट कर पाएंगे उसको। और हिंट गिवेस का यार लाजमी कुछ करो, मैंने कभी नहीं किया, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है, अब जो चीज़ नहीं आती मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, जैसे आप लोगों को अगर किसी ट्रिक की नहीं समझ आती तो मैं व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, मैं हर हमेशा रिप्लाई देता हूँ अवेलेबल होने पे, 24 आवर्स जब भी अवेलेबल हों, बेशक रात के 2 बजे हों, मैं रिप्लाई देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग ये जानते हैं, कमेंट में मैंशन कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोग ये चीज़ जानते हैं, मैं तो अब जब मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैंने आप लोगों से ही पूछना है, बिकॉज मेरी कम्युनिटी आप हो एडवाल पूल की, आप लोगों की मैं हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह ही चलेगा एक दूसरे के साथ। अभी भी दो चांसेस पड़े हैं, ठीक है, और 5 गेम्स तकरीबन हम विन कर चुके हैं, ये 6th गेम है, अगेन से ब्रेक अपने, और हम इंशाल्लाह ब्रेक लिया तो इसको जो उनसे डिनाइल भी लगाएंगे बनता है, ठीक है, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल अभी तक मैंने इस गेम में कोई डिनाइल लगाया। बॉल्स 5 कोर्ट हो चुकी हैं लेकिन बहुत गंदी हुई है, ठीक है, बॉल्स अभी भी जोनसन अटकी हुई है, तो पर्पल को ब्लू पे लगा के बॉल्स ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और ठीक हो गया, अभी भी जोनसन बॉल्स जोनसी हैं वो अटकी हुई हैं। ओके, टॉप राइट स्पिन यूज़ करके ना रेड पे, तो हम जोनसन बॉल्स ओपन करने की कोशिश करते हैं, टॉप राइट स्पिन मैंने यूज़ कर ली है और रेड पे, और ये बॉल्स ओपन हो गई हैं, स्पिन का खेल है बिटवा। ओके, एक और अच्छी शॉट आप लोगों को दिखाता हूँ, पर्पल को जोन सा है मैं बॉटम राइट पे पोर्ट करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बैक स्पिन के साथ, ताकि वाइट जोन सा है वो उस पर जोन सा क्लिक हो गया, जो मैं चाहता था मुझे कॉल आ गई इस दरमियान, वाइट बॉल जोन सा मैंने उसके ब्लू के साथ क्लिक करके जोन सा वहाँ पे स्टॉप किया, बड़ा अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी यहाँ पे एक अच्छा सा डिनाइल हो ही गया, ठीक है, आई थिंक सो डिनाइल ही था, मुझे कॉल आ गई दरमियान में, मुझे पता नहीं है, ठीक है, अगर डिनाइल ही था तो लाइक कर देना यार, पहला डिनाइल है मेरा इस गेम का। वेल, 6 गेम विंस हो चुकी हैं, अभी भी 2 चांसेस पड़े हैं, तो बॉक्स ओपन कर लेते हैं पहले, मेरा नहीं ख्याल उसमें से कुछ मिलेगा फिलहाल के लिए, हाँ नहीं मिलेगा, सब बकवास की पीसीज हैं। एक और गेम जो उनसे अब ट्राई कर लेते हैं, किम के साथ लग चुकी है हमारी। ओके, अभी तक जो चैलेंज था जो उनसे वो सक्सेसफुल जा रहा है, ब्रेक ओपन एंड का था, अभी चेक करते हैं अपना ब्रेक आता है या नहीं, मतलब अपनी बारी आती है या नहीं है, डिनाइल लगता है, नॉर्मली डिनाइल लगे ना मुझे तो मैं उस गेम को कट कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग वो इंटरेस्टेड होते हो देखने को तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करना, मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद एक फिर स्ट्रेट शॉट मिस किया यार इसने, ठीक हो गया, ये लगता है मेरी तरह ना इस तरह करके नहीं देखते, अगर आप इस तरह करके देखो ना तो आप इजीली जोन सा है वो पोर्ट कर सकते हो बॉल को। ओके, अभी जोन सा बॉल जोन सी हैं वो सारी स्ट्रक हैं, तो मैं स्ट्राइप्स के लिए जा रहा हूँ, लेकिन रेड को क्लिक करते हुए जोन सा ऑरेंज पोर्ट करता हूँ ताकि बॉल्स ओपन हो जाए लाइक दैट। अभी दो बॉल्स जो स्ट्रक थी वो ओपन हो गई हैं, अभी टेबल तकरीबन क्लियर है अपने सामने, बस ये वाली एक ब्राउन बॉल थी और वो भी मैंने ओपन कर लिया इजीली। अभी जोन सा इंटरेक्ट प्ले करते हैं एक, और इंटरेक्ट पे थोड़ा सा बैक स्पिन ले लेता हूँ ताकि नेक्स्ट जोन सी बॉल है वो इजी हो जाए मेरे लिए, और ठीक हो गया। अभी येलो पोर्ट करता हूँ, अच्छा येलो के बाद अभी जोन सा रेड है और टेबल क्लियर है अपने लिए, ये भी गेम इजी विन है, बस नेट ना जोन सा डिस्कनेक्ट हो जाए या दोबारा कॉल ना आ जाए मुझे इस फोन पर, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे जोन सा है हम ग्रीन पोर्ट कर लेते हैं इजीली, इजी विन होता नहीं है, इजी विन बनाना पड़ता है, ठीक है, अगर आप पहली बॉल पे ही सोच लो ना कि आप लोगों ने कौन कौन सी बॉल किस किस तरह पोर्ट करनी है तो आप इजीली विन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लैक भी पोर्ट कर दी है, अभी भी 2 चांसेस पड़े हैं और गेम कितनी रह गई हैं जी, 3 गेम पड़ी हैं, अभी मुझे विन करनी है 2 चांसेस में, एक चांस स्टार्ट में ही मेरा लॉस हो गया था, तो एक और गेम जो उनसे है वो विन करने की कोशिश करते हैं कभी।
75 लेवल अगेन उसका ब्रेक है। अच्छा ये बड़ा गलत होता है, लास्ट में ब्रेक जोन सा ओपोनेंट के पास चले जाता है ना, और लास्ट में प्लेयर्स भी अच्छे लेवल के आते हैं, और उसने खैर शॉर्ट जोन सी वो मिस कर दी है। अभी अगेन से पीसीज थोड़ी सी स्टक थी तो मैंने ओपन कर ली है, तकरीबन एक ही शॉट से सारी पीसीज जोन सी ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इनडायरेक्ट खेलता हूँ तो मेरी बॉल जोन सी पर्पल के साथ टच होगी तो इनडायरेक्ट मिस हो सकती है, तो इसको डबल बैंक शॉट खेलते हैं ताकि पर्पल जोन सी वो ओपन हो जाए ईजीली। ठीक हो गया, अभी यहाँ से जोन सा है ऑरेंज ही डालेंगे, ऑरेंज डालते हैं ताकि जोन सा है ब्राउन बॉल है वो हम इजीली पोर्ट कर लें। ऑरेंज डाल लें या येलो डाल लें, येलो ही डाल लेते हैं मैं कहता हूँ, येलो ही डालते हैं ठीक है टॉप पिन के साथ। अब ऑरेंज डालेंगे ना ताकि जोन सा है इजीली हमारे लिए, ऑरेंज या ब्लू ही डाल देते हैं, ब्लू बैक ले लिया ना हमने स्पिन, ताकि अभी हम जोन सा ऑरेंज अच्छी तरह प्ले कर सकें ताकि ब्राउन बॉल बन जाए। ठीक हो गया, अगर जोन से हम ब्राउन को ऑरेंज में हम डाल मार के डालने की कोशिश करते तो ब्राउन बॉल ने ऊपर चले जाना था, और ऊपर हमारी ब्लैक ही पड़ी है, कोई अपनी बॉल नहीं है, तो हम इजीली जोन से ब्राउन बॉल को बाद में पोर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे रेड को थोड़ा सा बैक स्पिन के साथ पोर्ट करेंगे और ब्लैक इजीली पोर्ट कर लेंगे, और हमारा 8th गेम जोन से वो हम विन करने लगे हैं। और लास्ट में आई थिंक सो आप लोगों को इनडायरेक्ट भी थोड़ी सी शॉट्स दिखा दूंगा जो 3 चांसेस मिलेंगे हमें विन करने पे। पहले तो ये देख लें चैलेंज जोन सा वो कंप्लीट होता है नहीं, बिकॉज मैं एक और चांस लूज कर गया यहाँ पे, ये बहुत ख़त्म होने के बाद आप लोगों को चेक करवाता हूँ मैं, ये चेक करें 2 चांसेस मैं लूज़ कर गया हूँ। मेरे पास एक गेम है और मुझे 2 गेम्स विन करनी है, एक चांस है 2 गेम विन करनी है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा ब्रेक नहीं आया, एक ही चांस है उसमें भी मेरा ब्रेक नहीं आया, और फॉर्चुनेटली कि उसने ब्रेक किया और उसका कोई बॉल पोर्ट नहीं हुआ। अब एक किस्म का मुझे ये वाला भी डिनाइल लगाना है, तो इस दफ़ा मेरा ब्रेक नहीं आया, तो नेक्स्ट मेरा ब्रेक आएगा तो मुझे उसमें भी एक डिनाइल लगाना है, तो कंटिन्यूसली 2 डिनाइल लगाने पड़ेंगे मुझे चैलेंज कम्प्लीट करने के लिए। तो लेट्स सी कि मैं जो उनसे कर पाता हूँ या नहीं। ओके, तो उनसे मैंने स्ट्राइप्स ली हैं, अभी ग्रीन बॉल पोर्ट करते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जो उनसे गेम को ख़त्म करने की, बिकॉज एक और जो उनसे डिनाइल मुझे लगाना है, नेक्स्ट लास्ट चांस है और लास्ट ही गेम मुझे विन करना पड़ेगा। ये वाली तकरीबन मैं गेम विन कर लूँगा आई थिंक सो, बिकॉज जोनसा है 3 बॉल्स रहती हैं, और 3 बॉल में से ये जो 2 बॉल्स पड़ी हैं ना इसी ने लास्ट पे काम खराब करना है, तो उनमें से एक बॉल हम अभी पोर्ट कर लेते हैं और बैक स्पिन के साथ पोर्ट करूंगा ताकि जोनसा है रेड बॉल बाहर आ जाए लाइक दैट। अभी जोनसा है कंप्लीट है अपने सामने टेबल, हम इजीली विन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा जोनसा है रेड पे टॉप स्पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही प्ले करते हैं, खुद ही बॉल ने जोनसा आगे चले जाना है। अभी ब्लैक ये आप लोगों के सामने एक डिनाइल तो नहीं था, लेकिन उससे ब्रेक पे कोई बॉल नहीं पोर्ट हुई, तो इसलिए ये इसको डिनाइल ही मानो ठीक है। तो अभी लास्ट चांस है और लास्ट गेम मुझे विन करना है, लेट्स सी। ये देख लें 2 चांसेस मैं लॉस कर गया था, अभी तक मैंने कोई कैश वगैरह नहीं इस पर लगाया, लास्ट चांस है, लास्ट पहले देख लें ब्रेक आता भी है या नहीं, मैं ऐसे ही आस लगाए बैठा हूँ। अभी निरोशान ओके ब्रेक आ चुका है अपना ही है ब्रेक, ठीक हो गया, कोशिश करते हैं डिनाइल लगाने की, बिकॉज अगर यहाँ पे मेरे से डिनाइल मिस हुआ ना तो मुझे पता है ये चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा, मुझे दोबारा से प्ले करना पड़ेगा या कैच लगाना पड़ेंगे। तो ओके स्ट्राइप्स गई हैं, सॉलिड गई है, तो मैं सॉलिड के साथ ही जाऊँगा, थोड़ा सा टॉप पिन के साथ जो उनसे पर्पल बॉल है वो बना लेते हैं, बिकॉज पर्पल के आगे ब्लैक लगा हुआ है, बाद में ब्लैक जो उनसे है वो साइड पर नहीं होगा तो लॉस करने के चांस हैं, तो जो उनसे चांस मिस हो जाएगा। ओके अभी जोन सा है एक मेरे पास, मेरा ख्याल ब्राउन है, ब्राउन टॉप राइट कॉर्नर में पोर्ट हो जाएगी, अभी आल टेबल जोन सा वो क्लियर है, इसलिए जोन सा है ग्रीन पोर्ट करता हूँ इजीली। अभी ये 2 बॉल्स इधर पड़ी हैं, एक बॉल इधर पड़ी है ठीक है, ब्लैक में मुझे लास्ट में स्नोक हो सकता है आप लोगों के सामने, इसमें ना आगे जोन सा है ब्लू बॉल लगी हुई है, तो पहले जो इधर 2 बॉल्स पड़ी हैं उनमें से एक पोर्ट करता हूँ बैक स्पिन के साथ, ताकि जोन सा है ऑरेंज को हम टॉप मिडल पॉकेट में जोन सा इजीली पोर्ट कर पाएँ, तो यहाँ पे हम उसको पोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखने की बात ये है कि हम प्लेस कैसे करेंगे ब्लैक को, भी ब्लैक को हम प्लेस करेंगे बैक स्पिन के साथ, और बैक स्पिन के साथ जोन सा बॉटम मिडल है उसमें भी बॉल पॉकेट हो सकता है, और टॉप मिडल है जोन सा उसमें भी बॉल पॉकेट हो सकता है, तो बहुत मुहतात रह के ऐसे बैक स्पिन लेना पड़ेगा हमें, और जोन से हम चांस जोन से वो नहीं लॉस करने वाले। एक अच्छा सा डिनाइल लग गया, रिंग भी हमारी निकल आई है, चैलेंज भी सक्सेसफुल हो गया,
ये चैलेंज मेरा अपना ही था, आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक बंदा जब खुद को चैलेंज देता है ना तो वो बंदा लाजमी सीखता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ। और लूनर क्यू है काफ़ी बैलेंस्ड क्यू है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये सेकंड क्यू है ऐसी जो बैलेंस्ड है, इससे पहले एक मीन स्ट्रीक की क्यू आई थी वो भी काफ़ी बैलेंस्ड थी, ये भी काफ़ी बैलेंस्ड क्यू है। मतलब जिसके पास कोई भी क्यू नहीं है अभी तक वो इसको प्ले कर सकता है, इसके साथ काफ़ी अच्छी क्यू है। बिगेनर्स क्यू वगैरह से तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये मेलबोर्नी स्टार क्यू का मुझे एक पीस मिला था, इसको अपग्रेड करते हैं। पहले अपनी लोनर क्यू तो चेक करें किधर है, मिली तो थी मुझे, किधर गई है अभी। अच्छा रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं अभी, जो सा है नीचे जाके लोनर क्यू अपनी किधर है। ये विन स्ट्रीक के ऊपर है, ये है लोनर क्यू, ये चेक करें। काफ़ी बैलेंस क्यू है अभी ऊपर में, विन स्ट्रीक की ये वाली दूसरी ये थी, ये दोनों काफ़ी बैलेंस क्यू आप लोगों में।